हेलो नमस्कार फ्रेंड, आपका मोस्ट वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल पर। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी सेशन 2023 पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पार्ट 3 में नामांकन भी नहीं हुआ है। लेकिन तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा सेशन 2023 का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को जारी कर दिया गया है। तो सभी छात्र छात्राओं को कन्फ्यूजन हो रहा है क्या बिना नामांकन का परीक्षा फॉर्म कैसे भराया जाएगा, तो आज की वीडियो में आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। सभी छात्र छात्र वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे आपको तिलका मांझी का पल पल अप टू डेट मिल पाए। तो चलिए तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है 29/8/2023 यानी कि कल की तिथि में ये यानी कि नोटिस को जारी किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का सिग्नेचर है, ये सही नोटिस है। तो देखिए एग्जामिनेशन नोटिस 150/2023, इट इज़ हैड बीन नोटिफाइड टू ऑल कंसीडर दैट फी फ्रॉम सबमिशन डेट ऑफ बैचलर पार्ट 2 ऑनर्स सब्सिडी एग्जाम 2023 सेशन 21/24 पार्ट 3 एग्जाम 2023 सेशन 20/23 आर एस फॉलो, यानी कि सेशन 21/24 का भी परीक्षा फॉर्म भरने का जो तिथि को जारी किया गया था आज से यानी कि 20 दिन पहले, इसमें बहुत छात्र छात्राएँ यानी कि फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो इनका तिथि को बढ़ा दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर पार्ट 2 ऑनर्स सब्सिडी एग्जाम 2023 फ्रॉम 4/9/2023 से लेकर 8/9/2023 विथ फाइल। तो बहुत छात्र छात्राओं को कन्फ्यूजन हो रहा है क्या फॉर्म फिलअप हो गया है तो फिर से सेशन 21/24 का परीक्षा फॉर्म को क्यों जारी किया गया। ये जिस स्टूडेंट को नहीं हो पाया है, किसी कारण वंचित हो गया है फॉर्म भरने से, इसी का ये फॉर्म को तिथि बढ़ाया गया है जो कि 4/9/2023 से लेकर 8/9/2023 तक भराया जाएगा विथ फाइन, फाइन लेकर भराया जाएगा। तो आशा करते हैं सारा समझ गए होंगे, लेकिन खास हम बात कर रहे हैं क्या पार्ट 3 पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 3 जो ऑनर्स का एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरा जाएगा 4/9/2023 से लेकर 8/9/2023 तक विथ फाइन, यानी कि विदाउट फाइन, बिना फाइन का आपका फॉर्म भराया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 9/9/2023 से लेकर 11/9/2023 विथ फाइन, यानी कि आपका फाइन के साथ फॉर्म भराया जाएगा। अब यहाँ पे पार्ट 3 के छात्रों के मन में कन्फ्यूजन हो रहा है क्या बिना नामांकन का कैसे संभव है कि परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा। तो देखिए आपका नामांकन, जब देखिए आपका फॉर्म भराते समय, ठीक है, नामांकन भी लिया जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म भराया जाएगा साथ साथ नामांकन के बाद ही आपका फॉर्म भराया जाएगा, यानी कि आपका 4/9/2023 से लेकर 8/9/2023 तक जो फॉर्म भराया जाएगा इसमें नामांकन भी होगा, इसके बाद आपका फॉर्म भराया जाएगा, दोनों साथ ही प्रक्रिया होगा, ठीक है। सेशन 2023 के सभी छात्र छात्राओं को, पार्ट 3 के छात्र छात्राओं को, ठीक है। तो आपका नामांकन और फॉर्म दोनों साथ ही भराया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे जो नोटिस दिया गया था तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा। इससे पहले भी हम नोटिस समझा दिए गए थे पिछले वीडियो में, तो बहुत छात्रों को भी कन्फ्यूजन हो गया था कि नामांकन कैसे होगा, बिना नामांकन का कैसे भराया जाएगा। तो देखिए आपका परीक्षा फॉर्म और नामांकन की प्रक्रिया दोनों साथ ही होगा, नामांकन भी होगा और फॉर्म भी भराया जाएगा इसी डेट में जो आपका दिया गया था विथ फाइन के साथ और विथ बिना फाइन के साथ, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने स्टूडेंटों में शेयर कर दें। तो चलिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।